शुक्रिया डीजे, समय बहुत कम है, पीछे से पंपिंग भी बार बार हो रही है। एक अंतिम कविता मैं आपको सुना देता हूँ, बिल्कुल नए क्रिकेट का विश्व कप भी खत्म हुआ, हम लोग ज्यादा पदक नहीं जीत पाए, ना एशियन गेम्स में जीत पाए ना कॉमनवेल्थ गेम्स में जीत पाए, और ओलंपिक में तो खैर हम कभी जीतते ही नहीं। तो मैंने ये रिसर्च किया सर कि हम बहुत सारे पदक जीत सकते थे, हम कैसे जीत सकते थे। मैंने हंसी हंसी में एक बात कही है अपने एक एक लॉजिक, आपको अच्छा लगेगा उस कविता का, कि हम ढेरों पदक कैसे जीत सकते थे। अगर आपको मेरा एक एक तर्क भारी लगे तो मुझे पीछे तक तालियां चाहिए, जैसा कि भाई साहब ने बताया कि लाफ्टर प्रोग्राम और हमारे प्रोग्राम से फर्क होता है, तो आपकी तालियां हमें बल देंगी कि हमें ऐसी कविताएं और लिखनी चाहिए। एक एक बात अगर आपके मन की लगे तो मुझे बताना, हम बहुत सारे पदक कैसे जीत सकते थे। मैंने बड़े सलीके से पूरी व्यवस्था का मजाक उड़ाया है, आप सुने। दुनिया में जब कहीं भी खेल होते हैं, हमारे एक मित्र भारत में अच्छे खिलाड़ियों की कमी को रोते हैं। मैंने उनसे कहा, तुम्हारी आंखों में बिना वजह नमी है, ध्यान से देखो हमारे देश में अच्छे खिलाड़ियों की भला क्या कमी है। थोड़ी सी बुद्धि लगाओ और सारे पदक भारत में ही पाओ, थोड़ी सी बुद्धि लगाओ और सारे पदक भारत में ही पाओ। अब एक एक तर्क पे आपका मुझे ध्यान चाहिए। दोस्त बोला, अच्छा तो ये बताओ कि 100, 200, 400 मीटर की रेस में कौन दौड़ेगा, 100, 200, 400 मीटर की रेस में कौन दौड़ेगा। मैंने कहा, किसी भी आम आदमी को दौड़ा दो, मैंने कहा किसी भी आम आदमी को दौड़ा दो, वो सुबह से शाम तक मेहनत करने में कोई कसर नहीं छोड़ता है, और तुम 100, 200 मीटर की बात करते हो, वो अपने परिवार का पेट भरने के लिए पूरे शहर में दौड़ता है। तुम 100, 200 मीटर की बात करते हो, वो अपने परिवार का पेट भरने के लिए पूरे शहर में दौड़ता है। दोस्त बोला, अच्छा इसमें तो पदक आ जाएगा, पर वहां तो साइकिल की भी दौड़ होती है, इस जहाज के दौर में साइकिल कौन चलाएगा। मैंने कहा, बिल्कुल मत घबराइए, साइकिलिंग के लिए मुलायम सिंह जी को बुलाइए। मैंने कहा, बिल्कुल मत घबराइए, साइकिलिंग के लिए मुलायम सिंह जी को बुलाइए, इसी में देश की भलाई है, यहां तो कुछ मिनटों की बात है, उन्होंने कई साल यूपी में साइकिल चलाई है, उन्होंने कई साल यूपी में साइकिल चलाई, और दिल्ली का हाल एक पंक्ति में देखना। दोस्त बोला, ये भी हो जाएगा, पर तैराकी में कौन जाएगा, तैराकी में कौन जाएगा। मैंने कहा, यार आप दिल्ली वाले होकर अब भी तैराकी को बड़ी समस्या मानते हैं, अब तो जल भराव इतना होता है कि बच्चे बच्चे तैरना जानते हैं, अब तो जल भराव इतना होता है कि बच्चे बच्चे तैरना जानते हैं, बारिश में दिल्ली की हर इमारत तैराकी का स्कूल बन जाती है, घंटे भर में सारी सड़कें गलियां स्विमिंग पूल बन जाती है, घंटे भर में सारी सड़कें गलियां स्विमिंग पूल बन जाती है। और मीडिया पर एक व्यंग देता हूं, आपको लगे कविता का सबसे प्यारा व्यंग आपको सौंपता हूं, सुने। दोस्त बोला, ये भी हो जाएगा, पर इतना भारी वजन कौन उठाएगा, वेट लिफ्टिंग में कौन जाएगा। मैंने कहा, मीडिया वाले। बोला, वेट लिफ्टिंग में कौन जाएगा, इतना भारी वजन कौन उठाएगा। मैंने कहा, मीडिया वाले। दोस्त बोला, कैसे। मैंने कहा, ऐसे, शिल्पा शेट्टी ने नाक की प्लास्टिक सर्जरी कराई, राखी सावंत की टूटी सगाई, जब ये ऐसी ऐसी गंभीर महत्वपूर्ण राष्ट्रीय समस्याओं को उठा सकते हैं। शिल्पा शेट्टी ने नाक की प्लास्टिक सर्जरी कराई, राखी सावंत की टूटी सगाई, जब ये ऐसी ऐसी गंभीर महत्वपूर्ण राष्ट्रीय समस्याओं को उठा सकते हैं, तो क्या ये 100-200 किलो का वजन नहीं उठा सकते हैं। वैसे भी उठाने के मामले में मीडिया वाले राष्ट्रीय एकता दर्शाते हैं, जिस खबर को एक चैनल नहीं उठा पाता उसे सारे मिलके उठाते हैं, जिस खबर को एक चैनल नहीं उठा पाता उसे सारे मिलके उठाते हैं। बोला, अच्छा फ्री स्टाइल कुश्ती यानी कि रेसलिंग। मैंने कहा, मनमोहन सिंह जी को ले जाओ, मैंने कहा मनमोहन सिंह जी को ले जाओ, किसी से भी भिड़वाओ, उनके सामने आते ही बड़े बड़े पहलवानों के दिन बीत जाएंगे और अपने मनमोहन सिंह जी बिना लड़े ही जीत जाएंगे। दोस्त बोला, यार बिना लड़े तो चैंपियन नहीं बन सकते। मैंने कहा, जब बिना चुनाव लड़े 2 बार भारत के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, जब बिना चुनाव लड़े 2 बार प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तो एक बार चैंपियन नहीं बन सकते। दोस्त बोला, हॉकी खेलने कौन जाएगी जो हमारे लिए पदक लाएगी, और जितने मेरे युवा दोस्त हैं सबके मन की बात करता हूं। दोस्त बोला, टेनिस खेलने कौन जाएगी, दोस्त बोला टेनिस खेलने कौन जाएगी जो हमारे लिए पदक लाएगी। मैंने कहा, यार टेनिस की खिलाड़ी कौन सा तमगे लगा देगी भारत माँ की शान में, कमाएगी भारत में खर्चेगी पाकिस्तान में, खर्चेगी पाकिस्तान में। अच्छा इस बात पर तो डॉक्टर साहब भी हंसे। मुझे याद है हरियाणा में एक बाबा जी थे 80 साल के, इतना मोटा चश्मा चढ़ा हुआ, और सानिया मिर्जा का मैच देख रहे थे। मैंने कहा, बाबा एक बात बताओ, आपको इतना मोटा चश्मा चढ़ा हुआ है, आप सानिया मिर्जा का मैच देख रहे हो, बॉल इतनी छोटी सी है, जब बॉल आती जाती है आपको नजर आ जाती है। तो बाबा तबाक से बोले, बेटा बॉल आती जाती भी है।
बोला कमाएगी भारत में, खर्चेगी पाकिस्तान में। अच्छा पीछे पुलिस वाले भाई साहब बैठे हैं, अंकल बैठे हैं, हम लोग इन पर बहुत मजाक कर देते हैं, लेकिन सर आपके मन की बात मैं करता हूँ, इनके समर्थन में एक बात करता हूँ, अगर बात सही लगे तो पूरी पूरी पंक्तियां इनको समर्पित है। दोस्त बोला यार हमारी पुलिस का निशाना बहुत पक्का है। बिल्कुल ठीक बात बोल रहा हूँ। दोस्त बोला यार हमारी पुलिस का निशाना बहुत पक्का है, क्यों ना इन्हें निशानेबाजी में भेज दिया जाए, शायद एक आध पदक ही जीत जाए। मैंने कहा माना कि हमारी पुलिस का निशाना पक्का है, पर वहां दाल गलेगी नहीं, क्योंकि इन्हें सरकारी पुरानी जंग लगी बंदूक चलाने की आदत है, निशानेबाजी की नई राइफल इनसे चलेगी नहीं। दोस्त बोला हॉकी खेलने कौन जाएगा भाई, कविता की अंतिम मंगजा सुने। दोस्त बोला हॉकी खेलने कौन जाएगा भाई, मैं रुआसा होके बोला हॉकी की याद तुझे भी सबसे अंत में आई। मैं रुआसा होके बोला हॉकी की याद तुझे भी सबसे अंत में आई। बोला छोड़ो ना दीपक भाई, ये बताओ कि हमारे हारने और शर्मिंदगी के दिन कब बीतेंगे, हम ढेरों ढेरों पदक कब जीतेंगे। मैंने कहा हमारे खिलाड़ियों की आत्मा गरीबी में पड़ी झोपड़ियों में रोती है, क्योंकि खेलों के नाम पर सिर्फ और सिर्फ राजनीति होती है, और जिस दिन भी ये राजनीति हमारे खेलों से हट जाएगी, उसी दिन हमारी धरती स्वर्ण पदकों से पट जाएगी, पट जाएगी, पट जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। Yeah.